डिस्क्लेमर, ये वाला व्लॉग पार्ट नंबर 2 है पिछले वाले व्लॉग का, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा तो पहले वो वाला व्लॉग देख लें ताकि आप लोगों को स्टोरी की बेहतर समझ लग सके। आज मेरे 10 व्लॉग YouTube पे पूरे हो गए। आज मैं जाने वाला हूँ मध्य, यहाँ आके हमें ये पता चला कि जो स्ट्रीट है वो सारी की सारी बंद की हुई है ड्यू टू सम रीजंस, और अब हमें उधर एंटर होने के लिए कोई लंबा सा ऊपर से होके आना पड़ेगा। ओ भाई बड़े लोग बड़े लोग बड़े लोग। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस टू मैडम टसो, जो कि इस कह लो जो ये सारा म्यूजियम आज वैक्स म्यूजियम बना हुआ है सारा इनकी वजह से बना हुआ है। के बाद में तो मैं जिस शख्सियत से मिलवाने वाला हूं ना उसके इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। भाई अब जिस शख्सियत से मिलवाने वालों ना ये एक टाइम पे इंस्टाग्राम रूल कर चुकी हैं, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस मिस बियॉन्से। यार मैं इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स का क्या तरीका है भाई, कैसे आते हैं इतने फॉलोअर्स? एक टाइम पे आप इंस्टाग्राम रूल कर चुकी हैं, कैसे मुझे भी जरा बता। अच्छा वो कह रही है मेहनत करो के ऊपर जाओगे, और आते भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये उन्होंने बड़ी तनकीद करते थे, तो करो अभी जाकर। अच्छा भाई अब जो बंदा है ना इसने एक टाइम पे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हिला दी थी, देखो सर, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर, यानी आपके गाने देखते सुन सुन के मैंने गाना गाना सीखा। तो सर क्या कह रहे थे सर, जस्ट फॉर द फैंस? सर प्लीज जी सर, समझ आ गई सर, कह रहे हैं बस मेहनत करो मेहनत ऊपर जाओ। खैर ये माइकल जैक्सन थोड़ा सा इन टू द मोमेंट होके भी देख लो यार आप। भाई 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 मुझे एक बात बताओ कि हॉलीवुड की बात हो और ब्रूस विलिस ना हो, ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल उसी तरह अब हम थोड़ा एक्टर्स वाले सेक्शन में आए हैं एंड वी फाउंड ब्रूस विलिस, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि यार आज का दिन तो हैवी हो गया है। भाई जब भी मार्शल आर्ट्स की बात होती है ना तो इन लोगों के बगैर मार्शल आर्ट्स कम्प्लीट हो ही नहीं सकता। लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइज मिस्टर जैकी चैन, वैसे इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है आप लोग देख के पहचान गए। उसके बाद आते हैं ये, जिन जिन लोगों ने इप मैन देखी है समझ गए होंगे क्योंकि मुझे चाइनीज़ मूवीज़ का थोड़ा शौक है तो मैं देखता हूँ। और उसके बाद आते हैं मशहूर ज़माना ब्रूस ली, यानी अभी तो ये फटा पोस्टर निकला हीरो वाला सीन है यानी सब कुछ फाड़ते हुए बाहर आ रहे हैं, लेकिन सर ह्यूज फैन, फैन बॉय हेयर सर, ये तीनों मार्शल आर्टिस्ट एक फ्रेम में। ओ भाई अभी तक ना वैसे मैं स्टार्स तक हो चुका हूँ क्योंकि जितने स्टार्स मैंने अभी तक देखे हैं ना जिंदगी में आज तक एक दिन में कभी सोचा भी नहीं था देखूंगा। कुछ ना बंदा स्टैचूज बनाते हुए ना एक फैक्टर रखता है कि कुछ नकली लगें कुछ स्टैचूज लगें, लेकिन नहीं वो फैक्टर नहीं रखा गया, वो रियल बंदा ला के यहाँ खड़ा कर दिया यार, यानी मैं तो क्या कहूँ बस अब, यानी कि मिस्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच सर huge fan over here, I have watched every single movie of yours, like Doctor Strange was the best one. और उसके बिल्कुल साथ हमारे पास हैं all time famous Mr. David Beckham, यानी के मैं कह रहा हूँ कि एक football fan ये समझ सकता है कि ये क्या शख्सियत है एक football fan के लिए, Mr. David Beckham। अब into the moment थोड़ा सा दोबारा होना बनता है।
अच्छा भाई, सब लोग तो तुमने देख लिए, अब ऐसा हो सकता है कि तीन लोग ना हो और ये जगह पूरी हो जाए, तो आओ मैं तुम्हें वो तीन लोग दिखाता हूँ। और ज़रा दिल थाम के बैठो क्योंकि सीन्स बहुत हैवी हो चुके हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, कोई चीज़ जॉर्ज कलोनी के बगैर पूरी हो सकती है? तो आइए मिलते हैं जॉर्ज कलोनी। और भाई उसके बाद आते हैं वो बंदा जो अब तो दुनिया में नहीं है लेकिन अपना नाम हमेशा के लिए छोड़ दिया, नन अदर देन स्टीव जॉब्स। आईफोन तो सब यूज करते होंगे, मैं नहीं करता लेकिन पता जरूर होगा। यानी कि यार इस बंदे में सादगी कूट कूट के भरी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक देख लो, मुझे एक चीज़ ब्रांडेड दिखा दो। यानी तुम कहो कि एक बिलियनियर क्या था और हमारी कौम को ये बंदा जो है वो क्या, तुम समझते हो हमारी कौम को किस चीज़ में डाल गया ये बंदा? अच्छा भाई, अभी की अपडेट ये है कि हम लोग वैक्स म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम था और हमने ये चानमेन स्ट्रीट भी देखनी थी। तो चानमेन स्ट्रीट की मैं तुम लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। चानमेन स्ट्रीट इज़ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट इन बीजिंग। यानी अगर कभी भी बीजिंग के बारे में सर्च करोगे और वो चानमेन स्ट्रीट के बगैर बीजिंग का पूरा हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हम लोग थोड़ी सी चानमेन स्ट्रीट देख रहे हैं और होना तो ये चाहिए कि अब ऐसी जगह पर आए हैं इन टू द मोमेंट तो होना बनता है। पहले भी हम बहुत दफ़ा हो चुके हैं तो कोई मसला नहीं अगर एक और दफ़ा हो जाएंगे हम लोग इन टू द मोमेंट। So into the moment shots are coming. अच्छा अभी मैं तुम लोगों को ना चाइनीज लैंग्वेज के बारे में एक बड़ी मजे की चीज बताता हूँ। देखो उर्दू और इंग्लिश जो है वो हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन चाइनीज़ का सीन टोटली डिफरेंट, चाइनीज हमेशा टॉप टू बॉटम लिखी जाती है, जैसे कि ये है। अभी देखो ये लाइंस में यूं या फिर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी हुई बल्कि ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखी हुई है और ये पड़ी भी ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ये इनकी एक लाइन है, ये इनकी टिपिकल चाइनीज राइटिंग है। अच्छा तो भाई अभी की अपडेट ये है कि हम लोगों ने वैक्स म्यूज़ियम देख लिया है, हम लोगों ने चानमेन स्ट्रीट देख ली है और अब चल चल के ये हालत हो गई है कि टांगों में दर्द शुरू हो गया और शदीद थकावट हो गई है। तो इसीलिए अब और कुछ करना नहीं है, अब घर जाना है क्योंकि रात भी हो रही है। तो अब मैं तुम लोगों से घर जा के मिलूँगा। सो गाइस फाइनली आई एम बैक होम और मुझे वैसे अंदाज़ा नहीं था कि इतना मज़ा आने वाला है। हाँ मुझे पता था कि मैं किसी एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे स्टैचूज़ वगैरह होते हैं, बहुत फेमस है, बड़े बड़े लोग बड़ी ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे उनका स्टैचू भी हो, बट इतना मज़ा आएगा इस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था। सो दिस प्लेस वर्थ द हाइप। यानी कि अगर तुम लोग कभी किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ तुम्हें मद्देम तो सौ मिले तो ज़रूर ज़रूर जाना उस जगह पर। खैर ये था, और तुम लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि यार कुछ जगहों पे ना स्टैचूज मिसिंग थे या फिर कई फेमस लोगों के स्टैचूज वहाँ पे नहीं थे। तो हम ये चीज़ मैंने भी नोटिस की, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नहीं था, ड्वेन जॉनसन का नहीं था, विन डीजल का नहीं था, आर्नल्ड का नहीं था, टॉम क्रूज का नहीं था, काफ़ी ज़्यादा लोगों के नहीं थे वहाँ पे। और कुछ जगह पे ना ऐसे था कि स्टैचू बेस थी, यानी जिस जगह पे स्टैचू होता है बनाया होता है या रखा होता है स्टैचू बेस थी लेकिन स्टैचू मिसिंग था। तो होपफुली उन्होंने किसी मेंटेनेंस या रिपेयरिंग वगैरह के लिए जो है ना उसको हटा दिया होगा स्टैचू को, और कुछ स्टैचूज वाकई वहाँ पे नहीं थे। ये इतना बड़ा म्यूज़ियम नहीं था, जो उसके मेन बड़े बड़े हैं ना वो सबसे जो बड़ा है वो है लंदन में, तो ये इतना बड़ा नहीं था इसलिए थोड़े स्टैचूज भी कम थे यहाँ पे। लेकिन मैं
पता नहीं क्यों स्टार स्ट्रक वाली फील आना शुरू हो गई थी मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन मज़ा बहुत आया यार, यानी बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ इट फॉर द व्लॉग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।